दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सीएलसी एनडी एकेडमी के बारे में। आप सब जानते हैं पिछले 28 साल से आपकी सीएलसी जेई और नीट पे काम कर रहा है। लास्ट ईयर से ये हमारा पहला बैच है एनडी एकेडमी का। लास्ट ईयर हमने फर्स्ट टाइम एनडी एकेडमी बैच लिया जिसमें 10th का बच्चा 11th में आया, 11th का बच्चा 12th में आया, 12th का बच्चा टारगेट में आया। कहने का अर्थ ये है कि आप इस समय 10th पढ़ रहे हैं तो आप हमारे पास 11th 12th के लिए एनडीए फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप 11th पढ़ रहे हैं और आपको लगता है आपका 11th सेट नहीं हो पाया, आप 12th में आप डिफेंस अकेडमी या एनडीए अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 12th में आके ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप राजस्थान बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या किसी बोर्ड में 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो जैसे आपका 12th बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाता है आप टारगेट कोर्स आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे साथ जो मेरे बेटे बेटियां खड़े हैं ये सब हमारी एनडीए अकेडमी बच्चे हैं। एक पूर्णतः सफल सेशन हमारा रहा, ये पहला सेशन मानते हैं बट बड़ा ही अच्छा सेशन। नरेश जी के नेतृत्व में पूरी टीम के साथ एक शानदार रिजल्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूं कि सबसे बड़ी क्वालिटी जो एनडीए अकेडमी सीएलसी में है कि एनडीए में 120 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, वो बड़ा पार्ट होता है जो स्कूल से ऊपर होता है, लगभग जेई मेन के पास जाता है। तो हमारी जो मैथ की फैकल्टी है वो सीएलसी आईटी विंग फैकल्टी है, उसके बाद आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो पढ़ानी है तो सीएलसी लेवल की यानी नीट और जेई लेवल की टीम आपको क्लासरूम उपलब्ध होती है। उसी का बड़ा आधार है कि पहला बैच एक सफल बैच हमारा होने जा रहा है। तो गार्जियंस आप सभी लोग सीएलसी आए विजिट करें, हमारा खुद का अपना हर्ष रोड पे एक बड़ा ग्राउंड है, करीब 20 बीघा में पूरी व्यवस्थाओं के साथ हमारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। इस बार हमारे पास दो ग्राउंड हो गए, हमारा स्कूल जो है सीआईएस उसके पास एक ग्राउंड और डेवलप किया हम लोगों ने, तो पूरी फिजिकल के लिए पूरी तैयारी करवाई जाती है। इस वीडियो से मैं एक बहुत क्लियर कर देता हूँ, दो प्रकार की भर्तियां होती है, एक होती है डिफेंस की भर्ती, एक होती है एनडीए की भर्ती। डिफेंस में फिजिकल का रोल बहुत ज्यादा होता है और एनडीए ऑफिसर्स में फिजिकल की बजाय वहाँ मेडिकल और मेंटल एबिलिटी आदमी चेक की जाती है। वहाँ आदमी फिट होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, आईक्यू के हिसाब से, तो इन सब पे आपकी संस्था काम करती है। तो दोस्तों ये जो बच्चे मेरे साथ खड़े हैं वो इस साल के हमारे एनडीए अकेडमिक स्टूडेंट हैं जो अपने आप में सेशन पूरा कर लिया, जो 11वीं है उनका 11वीं पूरा होकर 12th स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 12th के बच्चे हैं उनका अपना सेशन एंड हो गया, उनकी डीटीएस चल रही है। टारगेट के बच्चे हैं उनका अपना सेशन पूरा हो गया, उनकी डीटीएस चल रही है। हाँ, टारगेट में नेवी एयरफोर्स का एक सेपरेट बैच चलता है हमारा, जो बैच जा चुका है। तो कहने का अर्थ ये है कि एनडीए अकेडमी में आप 11th में आ सकते हैं, 12th में आ सकते हैं, टारगेट में आ सकते हैं और टारगेट में आप नेवी एयरफोर्स का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नेवी एयरफोर्स का बैच हिंदी मीडियम होता है, एनडीए के सारे बैच आपके इंग्लिश मीडियम होते हैं। हमारे खुद के हॉस्टल्स हैं, खुद के स्पोर्ट्स ग्राउंड है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं ये हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ये जहाँ ये बच्चे एक्टिविटी करते हैं। अगले वीडियो का भाग जो है आप इसमें देख सकते हैं, ये बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग जगहों के बच्चे हैं। तो आप पीछे बच्चों दिखा देता हूँ, कौन बच्चा कहाँ से है। मैं तनीक्षा सैनी, मैं झुंझुनू से हूँ। मैं अक्षिता बिश्नोई नागौर से हूँ। मैं महिमा चौधरी, मैं जयपुर से हूँ, एनडी टारगेट की। थैंक यू बेटा जी। मैं आयुष स्वामी, जयपुर से 11th एनडीए। मैं सुरेश यादव, अलवर से हूँ, एनडीए टारगेट। तेजपाल बेनीवाल, नागौर से, एनडीए टारगेट। मैं बोराराम बेनीवाल, एनडीए टारगेट, नागौर। तो ये वो बच्चे हैं जो इस साल कोई टारगेट से है, कोई 11th से है, कोई 12th से है। तो दोस्तों बात को समाप्ति को लेके जा रहा हूँ, ये पहला सेशन सफलतापूर्वक हमने कंप्लीट किया है। अब 9 फरवरी से एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, 9 फरवरी, 20 मार्च, 6 अप्रैल, उसके बाद हर दो वीक के बाद हमारे बैच चलते रहेंगे। तो आप जुड़े सीएलसी के साथ और अपने एनडीए ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय सीएलसी।